देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। विजय माल्या करोड़ों के औद्योगिक कारोबार से देश को करोड़ों का चूना लगाने वाले, लेकिन देश के साथ महाधोखा कर ब्रिटेन भागने वाले माल्या पर लंदन की हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि विजय माल्या के जहाज को बेचकर कतर नेशनल बैंक का कर्ज चुकाया जाए। आपको बता दें कि इस लग्जरी जहाज का नाम द फोर्स है और विजय माल्या का बेटा सिद्धार्थ माल्या कानूनी रूप से इस आलिशान जहाज का मालिक है। 27 जनवरी को लंदन हाईकोर्ट के एडमिरल्टी डिवीजन में सुनवाई के दौरान जस्टिस निगलेटीज ने यह फैसला दिया। आदेश में कहा गया है कि विजय माल्या के जहाज को बेचा जाए ताकि जहाज को बेचने से मिली राशि से कतर नेशनल बैंक का 60 लाख यूरो का कर्ज चुकाया जा सके। आपको बता दें कि कतर नेशनल बैंक से लिए गए इस लोन का गारंटर विजय माल्या था। नियमों के मुताबिक ये लोन 2015 तक चुकाया जाना था, लेकिन लोन का भुगतान नहीं किया जा सका। इसके बाद जनवरी 2018 में जहाज को जब्त कर लिया गया। फिलहाल जहाज साउथहैम्पटन बंदरगाह पर निगरानी में है और कोर्ट द्वारा नियुक्त एडमिरल मार्शल पॉल फॉरेन बकाए की वसूली के लिए पोत का मूल्यांकन करेंगे और फिर बिक्री प्रक्रिया शुरू करेंगे।